हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सूर्यांश गिजविज। और आज मैं अनबॉक्स और ओवरव्यू देने जा रहा हूँ आप लोगों को आईफोन 7 प्लस का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा डिवाइस, और बॉक्स के ऊपर गोल्डन कलर का आईफोन 7 प्लस बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास गोल्डन वेरिएंट है। लेफ्ट साइड पे देखते हैं आईफोन लिखा है, ऊपर की तरफ एप्पल लोगो है। राइट साइड पे भी आईफोन लिखा है, नीचे की तरफ एप्पल लोगो है। पीछे की तरफ देखते हैं, पीछे की तरफ बॉक्स कहता है कि 32 GB का डिवाइस है। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो बॉक्स पे लिखा है 72,000, लेकिन ये अभी के टाइम पे, ये 2017 अप्रैल में मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो इस टाइम में करीबन आपको 65,000 रुपीज़ का मिल रहा है। तो क्योंकि इसे आए हुए बहुत टाइम हो गया इसलिए प्राइसिंग ज़्यादा है, लेकिन जब ये आया था तब 72,000 का ही मिला था। तो चलिए बॉक्स जल्दी से खोल लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमें मिलते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशंस। ये तो इतने कुछ काम के होते नहीं हैं, हम सभी को पता है। तो ये कुछ हमें मिलता है, और इसके साथ हमें मिलता है सिम इजेक्शन टूल। ये बड़े काम की चीज़ है, तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। और फिर हमको मिलता है हमारा डिवाइस। तो डिवाइस गोल्डन कलर का है, चलिए इस पर भी हम बाद में आएंगे। हमको मिलता है एक हमारा चार्जर। तो चार्जर पे एप्पल लोगो बन रहा है, और इस पर कुछ IMEI नंबर और कुछ और तरीके के नंबर लिखे हैं। कितने वोल्ट का है क्या है वो तो कुछ इस पर लिखा हुआ है नहीं, तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं। और ये निकालते हैं तो ये हमारे एप्पल ईयरपॉड्स हमको मिल जाते हैं। और पीछे की तरफ हम देखें तो हमको एक लाइटनिंग केबल, एक कनेक्टर मिलता है जो लाइटनिंग टू 3.5 mm केबल है। तो ये इसलिए क्योंकि इस बार का आईफोन जो है वो 3.5 mm ऑडियो जैक सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर हमारे पास कोई हेडफोन्स है जो हम यूज़ करना चाहते हैं जो 3.5 mm को सपोर्ट करते हैं और वायरलेस नहीं है, तो फिर हम इस वाले केबल को यहाँ आईफोन में लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, और फिर वो वाला हेडफोन का हम केबल इसमें लगा सकते हैं तो वो हेडफोन सपोर्ट करने लगेंगे। और मैं आपको एक ईयरपॉड्स भी दिखा देता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं कि इस बार ये भी लाइटनिंग केबल है, 3.5 mm ऑडियो जैक है ही नहीं, वो भी मैं आपको फिजिकल ओवरव्यू में दिखाऊंगा। और हम बॉक्स के अंदर देखते हैं तो बॉक्स के अंदर हमको मिलते हैं ये केबल, USB टू लाइटनिंग केबल, चार्जिंग और डेटा सिंकिंग के लिए। तो बॉक्स में तो हमको बस इतना ही कुछ मिलता है, ऐसा कुछ खास नहीं। तो चलिए अब डिवाइस की तरफ देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा मोबाइल फ़ोन, और पहले इंप्रेशन में बहुत ही अच्छा फील कर रहा है हैंड में। थोड़ा सा बड़ा है मेरे लिए क्योंकि मेरे हाथ काफ़ी छोटे से हैं, लेकिन बहुत अच्छा फील कर रहा है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं इसमें क्या क्या है। तो फ्रंट में हमको मिलता है 7 MP कैमरा, और उसके साथ हमको मिलता है एक ईयर पीस, उसके ऊपर मिलते हैं हमको कुछ सेंसर्स, उसके नीचे हमको मिलती है 5.5 inches की फुल HD रेटिना डिस्प्ले, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके PPI वगैरह मैं अभी आपको सब अपने क्विक स्पेक्स में बताने वाला हूँ। उसके नीचे मिलता है हमको फिंगरप्रिंट सेंसर, लेकिन ये इस बार एक होम बटन नहीं है, काम वही करेगा लेकिन ये एक फिजिकल बटन अब रहा नहीं, क्योंकि इस बार एप्पल ने ये बटन बनाया ही नहीं, ये प्रेस हो ही नहीं रहा है। ये एक बिल्कुल ऐसी सॉलिड है इस बार। तो इस बार एप्पल ने इसमें एक टैप्टिक इंजन डाला है, जिससे जब हम इसको फोर्स लगाते हैं इस पर तो फ़ोन वाइब्रेट करता है। हमको ऐसा लगता है जैसे बटन है, तो थोड़ा सा अलग लगता है, उसके बाद कुछ टाइम बाद यूज़ टू हो जाते हैं इससे। राइट में हम देखते हैं तो हमको मिलता है पावर ऑन ऑफ बटन, सिम ट्रे। लेफ्ट साइड में हमको मिलता है ये साउंड मोड और वाइब्रेशन मोड, साइलेंट मोड में करने का बटन या टॉगल जो भी इसे कहेंगे। उसके नीचे हमको मिलता है पावर वॉल्यूम रॉकर्स, और ऊपर की तरफ अगर देखें तो कुछ नहीं है। नीचे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे की तरफ मिलता है हमको एक लाइटनिंग केबल पोर्ट, जिसमें हम अपने हेडफोन्स और उसी के साथ साथ चार्जर भी कनेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड में मिलते हैं हमको स्पीकर्स, और लेफ्ट साइड में सिर्फ डिज़ाइन। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो ईयर पीस है, ये भी इस बार स्पीकर्स की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब ये डिवाइस स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट करता है। पीछे की तरफ देख लेते हैं, हमको मिलता है एप्पल लोगो, नीचे की तरफ मिलता है हमको आईफोन लिखा हुआ, एप्पल लोगो के ऊपर मिलता है हमको डुअल कैमरा सेंसर। तो इसके बारे में अभी आपको बताऊँगा। उसके साइड में हमको मिलती है डुअल LED फ्लैश, और उन दोनों के बीच में हमको मिलता है सेकेंडरी माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलेशन के लिए। तो चलिए, हैंड्स ऑन तो हो गया, अब हम इस डिवाइस को ऑन कर लेते हैं। और जब तक ये डिवाइस ऑन होता है तब तक मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे कुछ
क्विक स्पेक्स जिसने जिन्हें देखकर आप जान सकते हैं कि इस फ़ोन में हमको और क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों हमारा जो मोबाइल है वो ऑन हो चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑन कम्प्लीटली हो चुका है। तो अगर हम ऊपर की तरफ से स्वाइप करते हैं तो हमको मिलता है नोटिफिकेशन पैनल, और नीचे की तरफ से हम स्वाइप करते हैं तो हमको मिलते हैं कुछ क्विक टॉगल्स, और अगर हम राइट में स्वाइप करते हैं तो हमको मिलता है ये म्यूज़िक प्ले करने का या पॉज करने का पूरा मेन्यू। तो यहाँ से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर हम देखें, अगर आप कोई और हेडफोन्स या वायरलेस हेडफोन्स या कोई ब्लूटूथ स्पीकर्स या कुछ भी इससे और कनेक्ट कर रखा है आपने जो कि एक साउंड के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, तो ये यहाँ से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और लेफ़्ट की तरफ अगर हम स्वाइप करें तो यहाँ हमको मिलते हैं कुछ विजिट्स जो कि हमको कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं, जैसे मेरठ का वेदर आ रहा है। हालांकि ये काफ़ी पुराना मुझे लग रहा है क्योंकि ये फ़ोन फ़िलहाल एयरप्लेन मोड पर है और अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से है। और भी काफ़ी सारे विजिट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो और इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, कुछ मेरे पर्सनल एप्लीकेशंस हैं और ये इतना हमें कुछ देखने को मिलता है। और जैसे मैंने आपको बताया था टैप्टिक इंजन इसमें है, तो जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो एक वाइब्रेशन होता है, आप सुन भी सकते होंगे, तो वो होता है। लेकिन ये बटन दबता नहीं है, ये बटन है ही नहीं, ये सिर्फ वाइब्रेट करता है और उसी की आवाज़ आती है। तो कुछ नया हुआ है, और चलिए देखते हैं, मैं आपको इसका यही वाला फीचर दिखा देता हूँ। तो अगर हम जाते हैं होम बटन पे, तो देखिए यहाँ पे आ गया चूज़ योर क्लिप, टैप एन ऑप्शन बिलो, देन प्रेस द होम बटन टू गिव इट अ ट्राई, टू सेट द वन यू लाइक द बेस्ट, टैप डन। तो ये कह रहे हैं कि जितना प्रेशर, जितनी भी वाइब्रेशन हमको अच्छी लगे, जिसमें हम कंफर्टेबल हों, उस पे हम क्लिक करके देख लें, पूरा चेक कर लें। देखिए ज़्यादा आवाज़, कम आवाज़, और भी ज़्यादा कम, और ये उतना ही कम वाइब्रेट भी करता है, तो वो चीज़ है। और अगर हम 3 पे करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगने लगता है जैसे पूरा का पूरा नीचे का पार्ट टूटा हुआ है और बहुत तेज़ वाइब्रेट करने लगता है। 1 पे करते हैं तो कुछ फील ही नहीं होता है। तो ये 2 मीडियम वाला जो है ये काफ़ी सही रहता है, अगर हम इसको फील करें तो ऐसे ही लगता है कि एक नॉर्मल फिजिकल बटन ही है। और अगर हम डन कर देंगे तो ये इस सेटिंग पे डन हो जाएगा। तो चलिए अब जल्दी से आपको कैमरा दिखा देते हैं। तो ये है हमारा कैमरा, और आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स रख देते हैं, जैसे हम इसका बॉक्स रख देते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और जैसा आप देख सकते हैं शटर स्पीड काफ़ी अच्छी है, यहाँ से हम इसको तेज़ या कम भी कर सकते हैं, और ये शटर स्पीड काफ़ी अच्छी है। और इस बार ये जो डुअल कैमरा सेटअप है, इसका मेन पर्पस यही है कि बहुत दूर तक ये जूम कर सकता है क्योंकि ज़्यादा मेगा पिक्सल्स हो जाते हैं। तो देखिए नॉर्मल हमको फ़ोन्स में 4 टाइम्स जूम मिलता है, लेकिन इसमें हमको 10 टाइम्स जूम मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बहुत दूर तक जूम करता है, आप सोच भी नहीं सकते। देखिए तो इतना काफ़ी जूम करता है और पिक्सल्स फटते ही नहीं है, मैं तो कहूँगा इतने ज़्यादा जूम में तो थोड़ा बहुत तो चलता है यार। और यहाँ देख लेते हैं, हमको फ्लैश मिलती है, HDR, और ये सारे मोड्स हमने देखे हैं। यहाँ पे हमको कुछ इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं, तो ये भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पे हमको एक पोर्ट्रेट मोड और मिलता है, डेप्थ इफेक्ट जैसा हमको DSLR में मिलता है, उस तरीके का कुछ मिलता है। तो अभी तो देखिए दोस्तों ये आ नहीं रहा है क्योंकि, और हमको मिलता है फोटो मोड, वीडियो मोड, स्लोमो मोड, टाइम लैप्स। तो ये सारे तो नॉर्मल मोड हमें पता ही है, स्क्वायर मोड, पैनोरामा मोड। तो ये हो गया कैमरे के लिए थोड़ा सा, और तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो iPhone 7 में है, वही सब इसमें है। 7 Plus में सिर्फ डुअल कैमरा सेटअप बढ़ जाता है, डिस्प्ले साइज और क्वालिटी बढ़ जाती है, कैमरे में पोर्ट्रेट मोड आ जाता है, जो पोर्ट्रेट मोड है वो iPhone 7 में है ही नहीं, वो सिर्फ इसमें है, जो कि अच्छी बात है, दोनों में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना। तो चलिए बस इस वाली अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद।